बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानकारी दे रहे हैं आपके घर के वास्तु के बारे में, आपका घर कहाँ होना चाहिए कायदे से वास्तु अनुसार। यही जानकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं जो लगातार आपको दे रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पांचवा मैजिकल फॉर्मूला। साथियों ध्यान दें कि मकान कभी भी किसी टी पॉइंट के सामने, नेगेटिव टी पॉइंट के सामने नहीं होना चाहिए। यहाँ नेगेटिव टी पॉइंट जो मैंने बोला है, इसका अर्थ यह है कि हर जो टी पॉइंट होता है वो नेगेटिव नहीं होता, कुछ टी पॉइंट पॉजिटिव भी होते हैं। नेगेटिव टी पॉइंट होते हैं जैसे साउथ वेस्ट के कोने पर होते हैं, वो सबके सब नेगेटिव होते हैं। ईस्ट फेसिंग के अंदर साउथ वाले कोने पर, नॉर्थ फेसिंग में वेस्ट वाले कोने पर, और वेस्ट फेसिंग में साउथ वाले कोने पर जो टी पॉइंट होते हैं उसके सामने मकान कभी नहीं होना चाहिए। अगर हैं तो वहां पर जाए हमेशा वहम की बीमारी रहती है, आदमी बहुत ज्यादा डरता है, छोटी छोटी बातों के अंदर रोना शुरू कर देता है बिना बात के लिए। दूसरा, अगर ऐसा मकान है या ऐसे उसके सामने अगर आपका जो है मकान पहले से बना हुआ है तो कम से कम अपने गेट को वहां से स्लाइड कर दें, टी के सामने से हटा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा क्या करें, 8 इंच का पकुआ मिरर मार्केट मिल जाएगा आपको, शीशा होता है अपन, वो लगाएं उस टी पॉइंट के बिल्कुल सामने अगर टी पॉइंट आपका नेगेटिव है। साथ ही गया बाजार में मिल जाते हैं आपको नजर पट्टू भी, वो भी छोटा सा वहां लगाइए जिससे कि सबकी नजर उसको अटैक करे आपके मकान को नहीं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी है शालू, से बात करेंगे। शालू जी स्वागत है आपका। हेलो जी शालू जी। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मुझे ये पूछना है कि हमारा जो घर है वो ईस्ट फेसिंग है लेकिन उसकी सीढ़ियां नॉर्थ ईस्ट में है और ऊपर पानी के टैंक भी रखे हुए हैं जी। तो सर क्या वो मतलब उसके कारण सारे कामों में रुकावटें आ रही है, जैसे शादी है, नौकरी है या कुछ भी, तो उसके लिए आप कुछ रेमेडीज बताएंगे? जी जी, आपका जो ग्रोथ वाला जो आपका सेक्टर होता है वास्तव में ईशान कोण जो होता है नॉर्थ ईस्ट में उसको बोलते हैं ग्रोथ सेक्टर, वहीं पर ब्लॉक हो गया है। आपने क्या करना है, जैसे बताया था पहले हमने कि आपने जो है नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ी में थोड़ा सा रखना है कैंपर, जिसे कपूर कहते हैं, वो उड़ता रहेगा, धीरे धीरे कपूर की स्मेल वहां पर बनी रहेगी, नेगेटिविटी अपना फिल्टर वहां पर हो जाएगी। दूसरा, जो पानी की टंकी आपने रखी है नॉर्थ ईस्ट में ऊपर, वो अच्छी नहीं है। पानी की टंकी को वहां से हटाकर वेस्ट में शिफ्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यदि नहीं भी कर पाए तो घर का जितना भारी सामान है आपके घर में वो सब रखें साउथ वेस्ट में। कम से कम जितना वेट टंकी से वहां पैदा हुआ उतना वेट तो क्रिएट कर दे कम से कम साउथ वेस्ट में, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। वास्तविक बैलेंसिंग की साइंस है। आज आप हमारे स्टूडियो में अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी खास जानकारी हमारे ऑडियंस के साथ आपने शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगले हफ्ते हम आपको बताएंगे घर के कोनों के बारे में, खास तरीके से कटे हुए कोनों के बारे में। जी, कटे हुए अगर कोने हैं, अगर कोना कट गया तो समझे कि मतलब वहां से कोई ना कोई नदी वहां से आपके पास कम हो गई, और जो आपके पास से कम हो गई हमारे दर्शकों को सावधान हो जाए। जी सावधान हो जाइए, अभी से चौंक जाइए आप, और अगली बार आपको बताएंगे समाधान इसके बारे में। बिल्कुल, अगले हफ्ते का जो कार्यक्रम होगा यानी कि रविवार होने वाला है शाम को 4:30 बजे, आप फिलहाल देखिए उसकी झलक। अभी दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।